तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल सोबन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिलिप्स एलईडी बल्ब को रिपेयर। देखिए, ये हमारे पास जो फिलिप्स एलईडी का बल्ब है, ये है 9 वाट का, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब। अब इसमें क्या दिक्कत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से इसको रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम सीखे, तो ये वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक इसको देखना है, और अच्छी लगे तो एक इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर कोई सवाल होते हैं आपके दिमाग में, या आपके मन में कोई सवाल इस वीडियो को देख के उठते हैं, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगा। देखिए, ये मेरी सीरीज है। सीरीज किस प्रकार से बनाते हैं, सारे आपको स्टेप टू स्टेप सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां पर विजिट करके बेसिक से आप एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं। ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक सही वाला एलईडी बल्ब को इसमें लगाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक सही वाला एलईडी बल्ब है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, अब ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें किस प्रकार की दिक्कत होगी, तो आज हम इसमें पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों बल्ब रिपेयर करने का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो डिफ्यूजर है इसको निकालते हैं बाहर। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें जो ये हमारी SMD LED होती है, देखिए ये जो छोटे छोटे इसमें LED बल्ब लगे हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं SMD LED। ठीक है, अब इस SMD LED को हमने पहले इसी ऐसे ही देखना है कि कोई SMD खराब तो नहीं है। अब खराब SMD किस प्रकार से हमें पता चलेगा, उसमें दोस्तों काला काला हमें डॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कौन सी SMD LED खराब है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको अपने सीरीज में लगाते हैं। देखिए देखिए, हमने सीरीज में लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वोल्टेज देखिए, यहाँ पर दो वायर है। ठीक है, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, एक प्लस का है दोस्तों और एक माइनस का है। ठीक है, तो हम इन दोनों में इस मल्टीमीटर की प्रोब को लगाएंगे और हम इसमें वोल्टेज देखेंगे। अगर हमारी वोल्टेज इसमें आती है, अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलती है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारी SMD LED है वो खराब है। अगर वोल्टेज नहीं मिलती, तो फिर जो इसके अंदर ड्राइवर होता है दोस्तों, इस LED बल्ब के अंदर जो ड्राइवर होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हमें वोल्टेज मिली तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें इस MCPCB में ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलती वोल्टेज, तब हम जाके इसके डिफ्यूजर सॉरी तब हम जाके दोस्तों इसके अंदर खोलेंगे इसको और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फॉल्ट तो सबसे पहले हमें इसको 200 वोल्ट DC में रख देना है। देखो, मल्टीमीटर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये DC का सिंबल है दोस्तों, तो यहाँ पर रखना है हमने 200 वोल्ट DC में रखना है। ठीक है, आई होप आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। तो चलिए, आप मैं इस दोनों प्रोब को, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इन दोनों वायर में कनेक्ट करता हूं। देखिए, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 116 117 वोल्ट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, हमें वोल्टेज मिल रही है तो जो हमारा ड्राइवर है दोस्तों वो सही है, क्योंकि जब हमारा ड्राइवर सही होगा तभी हमें यहां पर वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि जो हमारा फॉल्ट है वो सिर्फ ड्राइवर में है, हमारी जो MCPCB है वो ओके है। ठीक है, अब कौन सी MCPCB खराब है, ऐसे तो हमें पता नहीं चल पा रहा, तो उसके लिए आपको सिंपल सा है, इस प्रकार की एक चिमटी ले लेनी है। देखिए, इस प्रकार की एक चिमटी ले लेनी है। अगर चिमटी आपके पास नहीं है तो दूसरा तरीका भी है, कोई आपके पास इस प्रकार से, देखिए मैं दिखाता हूँ, कोई वायर ले लेंगे आप। देखिए, वायर कोई कटा फिटा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का वायर ले लेंगे। चलो, तो वायर से मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। ठीक है, चिमटी से तो किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वायर से किस प्रकार से करोगे आप चेक। हम घर पर ही काम कर रहे हैं तो हर किसी के पास चिमटी तो होगी नहीं, तो वायर हर किसी के पास हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम वायर से देखेंगे चेक करके, उसके बाद हम चिमटी से चेक करेंगे। अब करना कैसे है, देखिए एक एक करके हमें सभी जो SMD LED है उनको इस प्रकार से शॉर्ट करना है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप ये SMD को शॉर्ट करने पर जो हमारा LED बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे ये वाले SMD है वो खराब है। देखिए,
केवल एक वायर की मदद से आपको पता चल गया कि हमारे कौन से एसएमडी खराब है। देखिए मैं दूसरे को लगाता हूँ एक बार। देखिए ये देखिए यहाँ भी नहीं जल रहा है, देखिए यहाँ पर लगाने पर भी नहीं जल रहा है, यहाँ पर लगाने पर भी नहीं जल रहा है, और यहाँ पर लगाने पर भी नहीं जल रहा है। देखिए ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एकदम कन्फर्म हो चुका होगा आपको। देखिए बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ करे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हो गया, इस प्रकार से इसको शॉर्ट करना है। अगर चिमटी से, देखिए इस प्रकार की चिमटी है आपके पास तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कवर करने के बाद आप देखिए इस प्रकार से शॉर्ट करेंगे। देखिए नहीं हो रहा है, और यहाँ लगाएंगे तो हम हो रहा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारे ये वाले जो एसएमडी है दोस्तों, ये वाले एसएमडी वो खराब है। ठीक है, ये देखिए खराब है, देखिए इसको दबाने पर जल रहा है। आई थिंक इसमें जो है दोस्तों ड्राई सोल्डिंग हो रखी है। ठीक है, तो चलो एक बार हम इसको सोल्डिंग करके देखते हैं, हो सकता है ये चल जाए। ठीक है, अब सोल्डिंग कैसे करेंगे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसके साइड में है दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्रकार से हल्का हल्का सोल्डिंग लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से एक बार इसको लगा के चेक करते हैं, अगर ऐसे काम हो गया तो ठीक है, वरना हम इसको चेंज करेंगे। और हाँ, दिक्कत मन मानिए, अगर आप घर पर ही काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास इस प्रकार के एसएमडी नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन पे आप इसको शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया, आप देखता हूँ। देखिए दोस्तों फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमें निकालनी ही पड़ेगी इसमें से। देखिए कैसे निकालते हैं, सिंपल सा इसको इस प्रकार से हटा लेंगे। देखिए निकल चुकी है, और हम अब क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे सोल्डरिंग इस प्रकार से। देखिए हो चुका है, सिंपल तरीके से हो गया। अब हम इसमें देखिए लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा एलईडी बल्ब एकदम ओके हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों अब ये दिक्कत आती है, ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो हमारा एलईडी बल्ब की जो लाइफ है वो सब थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, अब कितनी कम होगी वो हमें इसकी वोल्टेज बताएगी। ठीक है, अब हम वोल्टेज इसमें नापते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है हमारी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको 200 वोल्ट DC में रखेंगे अपने मल्टीमीटर को। अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए मुझे तो दिख नहीं रहा साफ, आपको दिख रहा होगा आई होप। चलो इस लगाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, कितनी वोल्टेज आ रही है, देखिए आप कितनी वोल्टेज आ रही है, 69। ठीक है, 69 आई थिंक। एक बार इसमें मैं कुछ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए इसकी वोल्टेज, इसी को रख लेते हैं, अब थोड़ा सा दिख जाएगा सही से इसकी वोल्टेज। ठीक है, सिक्सटी नाइन वोल्टेज आ रही दोस्तों, 64, 64 इस प्रकार से इसको वोल्टेज आ रही थी। और जब ये खराब था, नहीं जल रहा था, तब हमारे पास समथिंग 170 समथिंग, इसमें 170 या 110 ऐसी कुछ वोल्टेज आ रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे एलईडी बल्ब में वही वोल्टेज होती जो खराब था उस टाइम जब हमने पहले इसको यहाँ पर देखा था कि कितनी वोल्टेज है। सेम वोल्टेज अगर अभी भी होती तो इसकी लाइफ बहुत कम होती। ठीक है, अब जबकि हमारा ये शॉर्ट करने पर जो हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, 69 समथिंग वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो एसएमडी है दोस्तों 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, तो इसमें अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 72। अगर हम 9 × 8 करें तो दोस्तों 72 निकलता है। ठीक है, यानी कि इन सभी एसएमडी एलईडी को चलने के लिए 72 वोल्टेज समथिंग हमें देनी पड़ेगी, तब जाके ये इनकी लाइफ सही होगी। अगर 70 वोल्ट से ऊपर देते हैं तब जाके इसमें थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, जबकि हमारा जो ड्राइवर हमें वोल्टेज दे रहा वो दे रहा 69.4 समथिंग दे रहा। ठीक है, यानी कि 70
वोल्टेज भी हमें सही से नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो एसएमडी एलईडी है, हमारा जो एलईडी बल्ब है, वो आराम से 3 से 4 महीना चलने वाला है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अगर आपके पास एसएमडी एलईडी है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।